सिद्धार्थनगर जिले में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन यहाँ पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। इस आगजनी से सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो रहे हैं। आज एक बार फिर आग ने बांसी तहसील के 62 गांव में तांडव मचाया, जहां पर दर्जनों घर आग की चपेट में आ गए। दर्जनों घरों में रखा सारा सामान स्वाहा हो गया। यहाँ तक कि लोगों के पास अब ना रहने को कुछ है ना खाने को। इस तपती धूप में वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आशियाना जल जाने के कारण परिवारी जनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर राजेश टीम के साथ नायब तहसीलदार मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। बताया जा रहा है आग बाले जीनवा गाँव की तरफ से तेज हवाओं के कारण लगी। ग्रामीणों ने बताया कि धान के समय में बाढ़ फसल पूरी तरह से नष्ट कर दी थी। अगर गेहूं कट करके घर पर आया तो आग ने तांडव मचाकर पूरा घर खत्म कर दिया। वहीं दूसरा मामला बांसी तहसील के महुआ गांव का बताया जा रहा है। आपके का ना हो, कहां घर हो, नाम, आग लगल कैसे, कितना नाम? विष्णु है, 62 में ग्राम 62 के रहने वाला हूँ। देखिए सब सारा सब जल के राख हो गया। कुछ साल बाढ़ है, अभी कुछ अनाज हुआ नहीं। साल जो हुआ तो आग लग गया, तब पाप हो गया हमारा। ऐसे में बच्चों का भरपाई भरण पोषण आप कैसे करेंगे? अब ये सरकार हमारी पूरी हमको मदद दिए और कैसे, ये छोटे छोटे बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे? भैंसा ट्रेन घर हुआ, थाना बोलावरा हुआ, आग लगल है। आज आपके यहाँ कितना नुकसान भइल हो? काऊ काऊ जो नुकसान भइल, कपड़ा लत्ता बेड कुर्सी कुल चीज नुकसान, चावल दाल गेहूँ। लाइट के मीटर है जरल देखा तो लाइट का भी सारा सामान जल गिल, कुछ बचल बे नहीं? कुछ नहीं बचल बे। कई काव खाए जाए, लड़कन के काव खियावल जाए? सरकार दे तब खावे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।